विराट कोहली के नेतृत्व वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने रविवार को आईपीएल 2021 के 10वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर को 38 रन से मात दे दी। ग्लेन मैक्सवेल और एबी डिविलियर्स की उम्दा पारियों के बदौलत आरसीबी ने 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 204 रन बनाई थी। जवाब में केकेआर की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 166 रन ही बना सकी। आरसीबी की मौजूदा आईपीएल में ये लगातार तीसरी जीत रही है। तो इस जीत के बाद कप्तान विराट कोहली ने लगातार 3 मैचों की जीत का श्रेय किन को दिया है, ये सुनकर आप भी हैरान रहने वाले हैं। मैच जिताऊ पारी खेलने वाले एबी डिविलियर्स ने भी एक हैरान भरा बयान दिया है। जी हाँ, इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी को लेकर एबी ने कही है एक बहुत ही बड़ी बात। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे इन दोनों दिग्गजों की तरफ से क्या क्या रिएक्शंस आया है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी है आरसीबी के बहुत ही बड़े फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। अब ये जानने से पहले कि एबी डिविलियर्स ने क्या बड़ा खुलासा किया है इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में वापसी को लेकर और आईपीएल को लेकर भी एक बहुत ही बड़ा बयान दिया है, लेकिन आइए उससे पहले जानते हैं विराट कोहली ने इस मैच को लेकर क्या कहा। विराट कोहली ने मैच के बाद सबसे पहले मोहम्मद सिराज की तारीफ की, जिन्होंने 19वें ओवर में आंद्रे रसल्स को रन नहीं बनाने दिए। इसके बाद उन्होंने काइल जैमिसन और हर्षद पटेल की भी तारीफ करी। कोहली ने बल्लेबाजी का श्रेय ग्लेन मैक्सवेल और एबी डिविलियर्स को दिया, साथ ही बताया कि उनकी टीम को अभी किन क्षेत्रों में सुधार करना है। कोहली ने कहा, सिराज ने जो ओवर रसेल को किया वो शानदार था। रसेल के साथ उनका कुछ इतिहास रहा है। ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद सिराज अलग गेंदबाज है और उन्होंने अपने खेल में काफी सुधार किया है। हर्षल पटेल ने अंत में काफी स्पष्टता दिखाई। जैमिसन ने भी अच्छी गेंदबाजी की। यही वजह है कि हम 3 में से 3 मैच जीते हैं। चेन्नई जैसी पिच पर आपको गलती करने का ज्यादा मौका मिल जाती है क्योंकि बाउंड्री भी बड़ी है। मैंने जो शॉट खेला वो ऑफसाइड के बजाय ऑनसाइड में खेलना था। विराट कोहली ने आगे कहा, हमें वानखेड़े कोलकाता और अहमदाबाद में खेलना है जहां गलती करने के मौके कम होते जाएंगे। तो वही मैच जिताऊ पारी खेलने वाले एबी डिविलियर्स ने इस मैच के बाद में अपनी पारी को लेकर तो बड़ा बयान दिया ही है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी को लेकर भी एक बहुत ही बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, मैं मस्ती के साथ खेला और अच्छा खेला। मैक्सवेल ने चीजें काफी हद तक आसान कर दी थी और वो इसीलिए अहम हो जाता है क्योंकि इतनी धीमी पिच पर खेल के लिए उतरना मुश्किल हो जाता है। यहाँ दोनों ही चीजें थी, 200 प्लस का विकेट नहीं था, 170 का स्कोर भी काफी हो सकता था। सबसे अहम बात यह है कि मैं खुद को और मेरे क्रिकेट को एंजॉय कर रहा हूँ। दरअसल मेरा परिवार भी यही है। तो पारी खेलने के बाद उन्होंने आगे कहा, मैं अगर टीम दक्षिण अफ्रीका में जगह बना पाया तो मेरे लिए ये शानदार होने वाला है। इस दिग्गज बल्लेबाज ने कहा, अगर वो वापसी करने में नाकाम रहे तो भी कोई उन्हें मलाल नहीं होगा। जी हाँ, 37 साल के खिलाड़ी ने कहा कि वो आईपीएल के आखिरी चरण में इस बारे में कोच मार्क बाउचर से बात करेंगे। उन्होंने कहा, मुझे पूरी तरह से इसमें दिलचस्पी है। जहाँ तक मेरी फॉर्म मेरी फिटनेस का संबंध है तो हमें सर्वश्रेष्ठ 15 खिलाड़ियों का चयन करना होगा। हम उसी के अनुसार योजना बनाएंगे। मैं आईपीएल के आखिर में बाउचर के साथ चर्चा करूंगा। बाउचर तो दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड के हेड कोच हैं और उन्होंने एबी डिविलियर्स की वापसी को लेकर संकेत दिए थे, लेकिन अब एबी डिविलियर्स ने भी कहा कि आईपीएल खेलने के बाद उनसे चर्चा की जाएगी और हो ये सकता है कि एबी डिविलियर्स की वापसी हो सकती है। वापसी होती है तो भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में भारत के अगेंस्ट खेलते हुए नजर आएंगी एबी डिविलियर्स। तो जी हाँ, क्या कहते हैं आप इसके बारे में, नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ कमाल कुछ धमाल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।